आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न समूचे भारत देश में मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष में आगरा के भारतीय मुस्लिम विकास परिषद के पदाधिकारियों ने भी सर पर टोपी, मुंह पर दाढ़ी, हाथों में तिरंगा और मुंह में देशभक्ति के गीतों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली और पूरे सम्मान सहित तिरंगा फहराकर तिरंगे को सलामी देते हुए देश के लिए अमन चैन शांति का संदेश दिया। आगरा देश में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम मची हुई है। जगह जगह मंच लगाकर देशभक्ति के गाने बजाए जा रहे हैं और तिरंगा फहराया जा रहा है। आज इसी क्रम में भारतीय मुस्लिम विकास परिषद के पदाधिकारियों ने भी सर पर टोपी, मुंह पर दाढ़ी, हाथों में तिरंगा और मुंह में देशभक्ति के गीतों के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा, जिसके बाद यात्रा हॉस्पिटल रोड फुआरा चौराहे के पास राष्ट्रगान के साथ तिरंगा फहराकर तिरंगे को सलामी दी और देश की अमन चैन शांति के साथ साथ भाईचारा मोहब्बत का पैगाम भी दिया। भारतीय मुस्लिम विकास परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि ये देश हमारा है और हमें इसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। इसकी आन बान और शान के लिए हमें अपनी प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी, तो हमें इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए एक होना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी धर्म, कोई भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि हम सब ने मिलकर ही इस देश को आजादी दिलाई है और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा था। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट। समी आगाही, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मुस्लिम विकास परिषद। आज समूचा देश की स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। उत्तर प्रदेश सर्वदलीय मुस्लिम एक्शन कमेटी और भारतीय मुस्लिम विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आज जब फवारा हॉस्पिटल रोड पर झंडा रोहण किया गया, उसके पश्चात एक तिरंगा यात्रा जो है संपूर्ण क्षेत्र में सेबका बाज़ार, फलट्टी बाज़ार, गुड़ की मंडी, चर्च गेट, हॉस्पिटल रोड होते हुए पुनः उसी स्थान पर आई, जहाँ सभी लोगों ने देश के अमर शहीदों के बलिदान को याद किया और देश के नौजवानों को यह आह्वान किया कि जो आज़ादी का झंडा जो कि हमारा तिरंगा है, ये हमारी आन बान शान का प्रतीक है, इसकी अक्षुण बनाने के लिए, इसकी गरिमा बनाए रखने के लिए अगर हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी हमारे पुरखों के बलिदान का परिणाम है। हमने 200 साल की गुलामी अंग्रेज़ों की करी, उससे पहले और दूसरे लोगों की गुलामी करी, बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्क़त के साथ ये आज़ादी हमें प्राप्त हुई है, इसलिए इसको हमें अक्षुण बनाने के लिए और देश के विकास के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सभी संपूर्ण देशवासी, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आज पूरे हर्षोल्लास के साथ अपने स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं और हम कामना करते हैं कि इसी प्रकार पूरे देश के अंदर सद्भावना बनी रहे, भाईचारा बना रहे, हमारा देश विकास के रास्ते पर अग्रसर होता रहे। मेरा नाम बुंदन निया, आज 75वें साल में मनाई जा रही है और हिंदुस्तान में भाईचारे से, मोहब्बत से बनाया आला और देसी परदेसी वालों सब तो मुबारकबाद, शहीदों को भी मुबारकबाद देना, शहीद माँ तो भी मुबारकबाद, और मैं चाहता हूँ मोहब्बत से, भाईचारे से 15 अगस्त खूब अच्छे से अपने अपने घरों में झंडे लगाएं, दुकानों में लगाएं, खुशी से मनाएं और पहल मोहब्बत से मनाएं, खुशी की बेकाय में नहीं आए। ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भाई देश है हमारा, खूब भाईचारे से मनाए, खूब मनाया जाए और मुबारकबाद देता हूँ। तो हिंदू मुसलमान सब तो पुलिस प्रशासन में भी बहुत अच्छी मेहनत करी है, बहुत उन्होंने भी जलूस अलूस जिताए अपने, और मैं तेरे पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छी तरह से मना गया है। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।